उन्होंने भरे घर के सामने मुझसे सवाल किया और अरहम के सामने मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं मैं, बताए ना, हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग। बोले क्यों नहीं बोलती हम आप कुछ, बदनामी से डरती थी ना आप। हो गई आपकी बेटी बदनाम, शायद आपने झूठ नहीं बोला होता तो ये सब नहीं होता। अरहम, ये कोई टाइम है घर आने का? कहां गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं अरहम। प्लीज अम्मी, कहीं नहीं गया था मैं। सारी रात अपनी माँ को सूली पे टांग कर कह रहे हो मैं कहीं नहीं गया था? तो क्या करूं अम्मी, टाइम चाहिए ना मुझे अपने लिए, इसलिए चला गया था, सोचना था कुछ। सोचना था? क्या सोचना था? अब रह क्या गया सोचने के लिए अरहम? कहना क्या चाह रही हैं आप? बहुत चाह से लेकर आई थी मैं उसे इस घर में, तेरी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था, क्या मिला? ये सजा? छुट्टी। और अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? वो तेरी बीवी नहीं रही, पता नहीं ना कहां कहां मुंह काला करके आके इस घर में बैठ गई है। खुदा के लिए मत करें ऐसी बातें। मैं नहीं करूंगी तो फिर दुनिया वाले करेंगे, फिर क्या करेगा तू? हाँ, मिला दे मिट्टी में अपने बाप के नाम को, रोल दे हमारी जिंदगियों को। एक बात बता देती हूँ अरहम मैं तुझे, कि अगर वो लड़की इस घर में आएगी ना तो फिर मैं और रायमा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अम्मी, अम्मी बात सुन ले मेरी। बाबा क्या हुआ? आपके सर में दर्द है, मैं दबा दूं? नहीं, इट्स ओके। अच्छा बाबा, खानी मामा कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगी वो। नहीं, वो अपने रूम में नहीं है, वो सुबह कहीं चली गई थी और दादू ने भी उन्हें नहीं रोका, कहा कि अब जा रही हो ना, दोबारा वापस नहीं आना। बाबा प्लीज, आप खानी मामा को वापस ले आए, मैं अपनी मामा को लॉस नहीं करना चाहती फिर से, वो बहुत अच्छी हैं पापा, बहुत अच्छी हैं। आई नो बेटा, आई नो। शाह साहब, इलेक्शन की तैयारियां बड़े जोर शोरों पर है, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा?
देखिए मैं कोई गायब का इल्म तो नहीं जानता जो मैं बता सकूं कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हमने हमेशा लोगों के हक की बात की है और हमारी पार्टी के सर्वे के मुताबिक इस मरतबा भी लोग उसी को वोट देंगे जो उनके हक के लिए लड़ेगा। सर आपका बेटा मीरादी कुछ अर्से से पार्टी मीटिंग में नजर नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है, जबकि आपने अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्हें परमानेंट पार्टी का मेंबर बनाया था। नहीं नहीं, वो अब भी पार्टी के परमानेंट मेंबर ही हैं, सिर्फ यह कि उनकी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो अभी फोकस कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पे। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो कंप्लीट होगी, वो एक दो साल के अंदर अंदर उन्होंने पार्टी का चेयरमैन ही बनना ना इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खा लो, मुझे भूख नहीं है। खाने से कैसी नाराजगी, थोड़ा सा तो खा लो और परेशान मत हो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मैंने अपने दिल को झूठी तसल्लियां देना बंद कर दी है, बहुत हो गया झूठ। खानी, ये किस तरीके से बात कर रही हो आप, हमसे क्यों रूड हो रही हो? नहीं हो रही मैं किसी से रूड, और तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग भी अपने दिल को ना ये झूठी तसल्लियां मत दो, कोई नहीं आएगा मुझे वहां से लेने, तैयार हूं मैं हर चीज के लिए, वहां से अब आएगा तो सिर्फ एक कागज। खानी प्लीज ऐसे मत बोलो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, आज तक क्या ठीक हुआ है? और तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक झूठ बोला था ना, मिल गई उसकी सजा। आप प्लीज जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। लो जी मुग्गे, रोटी खाओ। जी पापा जी। व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुंह क्यों बढ़ाया हुआ है? आप पूछ रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या हुआ है? पता है मैनू, सारा पता है, पर इस वेले तेनू अरब दे नाल होना चाहिदा, इस तरह मुंह बढ़ा के नहीं बैठी था हुंदा। ये सब मैं अरहम के लिए ही कर रही हूँ पापा जी, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए अब। हाँ बेटा, रिश्ता शादी इस तरह नहीं खत्म की जाती, बात तो करनी पड़ेगी ना। किससे? उन झूठे लोगों से बात करूं जिन लोगों ने अपनी जिल्लत पे पर्दा डाल रखा है और हम जैसे सादा और प्यार करने वालों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? नहीं बेटा जी,
दुनिया दे विच कोई भी गल बाद नाली अग्गे चलती है, बाद नाली खत्म होती, बात ते करनी पेगी। तू आराम दे नाल इस तरह ना कर, जिद लाग ना पै जा। दुआ कर रब जो भी करे अरहम दे हक इज बेहतर होवे। अरहम के हक में यही बेहतर है कि वो लड़की उसे ना मिले। आप उसे बोलो कि वकील करे और तलाकनामा भेजे। नहीं है ये सब करके पाया है, और जहर भी पूछ के पीता ते की पीता, वो इश्क भी सोच के कीता ते की कीता, वो दिल दे के दिल लैण दी आस भी रखी, वे बोलिया इश्क भी लालच नाल कीता ते की कीता। वाह क्या बात कही है, इश्क भी लालच नाल कीता ते की कीता। लेकिन पता है लालच खत्म हो गया, बस इश्क रह गया। तभी तो तुझे सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया। हक 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 अल्लाह। जी मैं क्या करूं, हादी को घर कैसे लेकर आऊं, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है।
आप तो दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि वो बाहर गया भाई पढ़ाई के लिए, पर मैं अपने दिल से कैसे झूठ बोलूं? वो मजार पे तड़प रहा है। मैं तो कहती हूँ उस लड़की की तलाक करवा दे और हादी की उससे शादी करवा दे। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कोई गलत बात कही है क्या? हमारा हाथी घर आ जाएगा ना। सितारा, होश से काम ले। ये मामला बहुत दूर निकल गया है। मेरा दिमाग तो ये सोच सोच कर माउफ होता जा रहा है कि हाथी को वापस कैसे लेकर आऊं। वो सोच के उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां से शादी वादी का चक्कर उसे वापस नहीं ला सकेगा। क्या मतलब है? हम कुछ ना करें, यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ शाहजी, शाहजी वो मेरा बेटा है, मुझे वो वापस चाहिए, इसी घर में चाहिए, मुझे नहीं पता। आप कुछ करें, उसको जाकर उससे बात करें, उसको किसी तरह प्लीज लेकर आए। शाहजी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके। बाबा आप खानी मामा को कब वापस लेकर आएंगे? पता नहीं बेटा। दादू आपको मना करती है ना, तो क्या आप मामा को कभी वापस नहीं लेकर आएंगे? बताए ना बाबा। बेटा प्लीज सोने की कोशिश करो। नहीं आती मुझे इनके बिना नींद, मुझे खानी मामा चाहिए। बाबा मुझे चाहिए। चुप कर जाओ रहमा, मेरा चुप कर जाओ, बाबा को तंग कर रही हूँ। भीड़ में भी सब लोग तन्हा होते हैं ना? हाँ सब तन्हा होते हैं तभी तो यहाँ आते हैं। किसी के साथ से कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सिर्फ उसकी जात से जो साथ होकर भी नहीं दिखता। बात तो पते की किया। अब जो मैं कह रहा हूँ क्या वो उससे खुश होगी? ना, ये मत सोचो कि वो खुश होगी, ये सोचो कि वो खुश हुआ कि नहीं। अब वो खुश है मुझसे? ये कोई नहीं जानता, तभी तो उसे खुश करने की जुस्तजू पूरी उम्र रहती है। अगर ये जान जाओगे तो जुस्तजू खत्म कर दोगे ना। बस एक वही तो मंजिल है जो सबको पानी है, मगर सब नहीं समझते। क्या मैं जान गया? हाँ लेकिन वो मंजिल पानी बहुत मुश्किल है, कठिन लगेगा पर इश्क सच्चा होगा तो मंजिल मिल ही जाएगी। बस वही मंजिल तो पानी है, तो बस दिल से चाहते रहो, उसकी मंजिल मिल जाएगी। तुम्हें मिल गई है मंजिल? मिल गए।
खानी हमसे नाराज हो क्या? नहीं, अपने आप से नाराज। मत हो अपने आप से नाराज और परेशान ना हो, और हमसे मैं खुद बात करूंगा। हाँ बेटे, मैं हिफत से जाकर बात करूंगी। आप लोगों किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है बेटा, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते, इतना आसान नहीं है ये। हाँ बेटे, ये वक्त जज्बात से नहीं मसलियत से काम लेने का है। क्या मसलियत? कब से मसलियत से ही तो काम लेते हुए आ रहे हैं हम लोग। सारिम का कत्ल हो गया, उसके कातिल को हमने माफ कर दिया, अपना शहर छोड़कर आके मेरी जिंदगी झूठ से शुरू की, सारिम की कब्र भी पीछे छोड़ा है, फिर भी मसलियत। इस मसलियत की वजह से हम रोज मरते हैं। इससे तो अच्छा था कि उस कातिल के खिलाफ हम आवाज उठाते, हमें मार देता। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। कितना सुकून होता ना उस मौत में। ये सब क्यों नहीं सिखाया? क्यों सोसाइटी से डर डर के जी रहे हम लोग? अब और मसलियत नहीं बाबा, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। मैं खुल के सांस लेना चाहती हूं, और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि दुनिया से डर डर के जीना छोड़ दें। दुनिया क्या कहती है कहती रहे, हम वही करेंगे जिसमें हम खुश हैं। क्या कह गई है सोनिया? ठीक कह रही थी सलमान। रोज ही तो मरते हैं हम, अच्छा होता अगर हादी हमारा कत्ल कर देता। अपने बेटे के लिए आवाज तो उठाई होती हमने, मां बाप होने का हक तो अदा किया होता। ठीक कह गई। What are you thinking, Putruve? Khaani naal koi gal baat hui? Kya baat karu papa ji usse? Jo bina bataye wo chali gayi hai. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अम्मी कहती है उसको घर लेके नहीं आना। अम्मी नु छाड़ दू, व्हाट डू यू वांट? तू नु एथे ले आना चाहता है कि नहीं? ये जड़ियां औरतां ने ना पुत्रोए जज्बात नाल फैसले कर दिया ने। दे डोंट थिंक, दे जस्ट डिसाइड। मर्द मर जज्बात में नहीं फैसले करता, सोचता, सोच अकल नाल कम बंदा मर्द है। पर यही तो कंफ्यूजन है, क्या फैसला लूं मैं? तू मैनू एक गल दस, जो खानी का नाम आंदा नफरत जी तो नहीं होंगी? नहीं। इहदा मतलब है खानी ते तेनू एतबार है ना? बस ते फिर गल मुक गई, तू जा यार, घर जा खानी दे, उते जा उनू पूछ कि की कुछ समझ जा के उते यार।
क्यों यार? अम्मी अम्मी नु जानते पुत्र है, अम्मी नु मैं समझा रहा हूं, वो मेरी थी है, मैं उन्हें जानना, तू जा खाने वाले जा। सना तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो उठ जाओ यार, सब बाहर इतनी टेंशन में बैठे हुए हैं। खानी ठीक तो कह रही है सारा, हमने सारिम भाई के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? ठीक तो कह रही हूँ, अपनों की रूहें दूर जाकर भी हमसे कनेक्टेड रहती हैं। सारिम भाई एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे, पर हम यहाँ बैठ गए अपनी जिंदगियां बचाने के लिए। सना प्लीज ऐसे मत सोचो, खानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खानी ठीक हो गई है सारा, अब वो तकलीफ में नहीं है, पहले थी जब झूठ के बोझ तले दबी हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस खानी का साथ दूंगी, वो जो करेगी मैं उसका साथ दूंगी। और खानी क्या करेगी? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि वो सारे भाई को इंसाफ दिलवाएगी। और अब बस छोड़ो सना। दीदी मेरे बच्चे, नो गाज मुंह छुपा के आना पड़ा, ले आया आपका बेटा आपको? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तू उठ मेरे साथ घर चल, उठ शाबाश। घर पे ही तो हूं बाबा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यहां ऐसे कैसे रह सकते हो तुम? जिस घर को आप घर कह रहे हैं वो मेरा घर नहीं है बाबा। उस घर की दीवारों में से मुझे बू आती है, मेरा दम घुटता है। उस घर की एक एक ईंट में से ना जाने कितने मासूम लोगों की सिसकियां और चीखें सुनाई देती हैं मुझे। मेरे नाम की तरह मुझे हिदायत मिल गई है, शादी ने शादी को रास्ता दिखा दिया बाबा। जिस रास्ते पे एक दफा चल पड़े ना उसकी वापसी मुश्किल ही होती है। मेरे बच्चे तू मेरे साथ चल, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। नहीं बाबा आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक करने वाला तो वो है और उसने ठीक कर दिया है,
उसने मुझे अपने करीब कर लिया बाबा, बस अब मैं यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप जाओ। और मैं जानता हूं आपकी दुनिया को बहुत टेंशन होगी ना। बेटा था कहां गया, और आपको आपकी कुर्सी की भी टेंशन होगी, मिलने वाली थी। जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, अपनी ये दुनिया जाके झूठ से सवार लो। बोलो, बेटे को बाहर पढ़ने भेजा था, एक्सीडेंट हो गया और मर गया। सब खामोश हो जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको तंग नहीं करूंगा, पक्का। अलबत्ता बाबा, मैं अपनी दुनिया संभाल रहा हूं, आप मुझे तंग मत करना बाबा, मुझे तंग मत करना। अंकल, मैं खानी से बात करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले उससे बात करूंगा और फिर आप लोगों से। ठीक है, जाओ मिल लो। यूं खामोशी से बिना बात किए वहां से आने का मतलब? मैं गलत थी, क्या कहती, कुछ कहने के लिए था ही नहीं। गलती होती है तो इंसान माफी भी मांग सकता है। मेरी गलती बहुत बड़ी थी आराम, माफी की गुंजाइश नहीं थी। एक बार पूछ लिया होता, हिम्मत नहीं हुई। खानी, हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि उसमें हिम्मत इतनी जल्दी टूट जाए। खानी, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मामा बाबा ने जो किया वो क्यों किया। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी यार, बेटा कत्ल हो गया, बेटियों का क्या होगा। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमेशा हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं, और तुम्हारे बाबा की वो हालत नहीं थी कि मीर शाह के सामने ऐसे खड़े हो जाते। और अगर कोई शिकायत है थोड़ी सी तो तुमसे, तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया खानी। हाँ सच, काश कि तुमने मुझ पे एतबार किया होता, मुझे अपना दुख बताया होता, मुझे अपना शरीके हयात बनाने के साथ साथ अपना अमराज भी बनाया होता। सिर्फ एक बार खानी, सिर्फ एक बार तुम मुझे बता दी तो मैं आंखें बंद करके तुम्हारा एतबार कर लेता। मैं बोलूंगी तो शायद आपको अभी यकीन नहीं आएगा, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी हादी ने मुझे अगवा किया था। लेकिन आई नो एवरीथिंग, मैं जानता हूं कि मेरी खानी क्या है। मैं आज भी तुम्हारे हर लफ्ज की रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे तुम्हारी आंखों से सारी सच्चाई नजर आ जाती है। खानी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, तुम पे उतना ही एतबार करता हूं जितना ये सब जानने से पहले करता था।
तुम जानना चाहती हो? मेरे यकीन मानो, अगर मीर हादी ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी होता ना, तो मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करता। किसी की गलती की सजा तुम्हें कैसे दे सकता था कहानी, कैसे? चलो अब घर चलो, तुम्हें भी और सारिम को भी इंसाफ दिलवाना है मुझे।